हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक शू स्टैंड जो कि सी पीवीसी पाइप से बना हुआ है। यह रॉस्ट फ्री है और बहुत दिनों तक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फीट पाइप 8 पीस, 11 इंच पाइप 8 पीस, 3/4 T 28 पीस, 4 इंच पाइप 20 पीस, 2 इंच पाइप 12 पीस, 3/4 एंड कैप 4 पीस, 3/4 बैंड 4 पीस, 13x48 एल्युमिनियम सीट 4 पीस। फ्रेंड्स, फास्टली हमारा जो 4 फीट का पाइप है उसकी दोनों तरफ हम टी लगाएंगे सभी पाइप्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3/4 CPVC पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत हल्का है और इसे एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करना बहुत आसान है। अब हमारे पास 11 इंच का जो 8 पाइप्स है उसमें से 6 पाइप की एंड्स पर हम टी लगाएंगे और बचे हुए 2 पाइप्स की एंड्स पर हम बैंड लगाएंगे। अब हम इसकी स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए 4 इंच का पाइप लेंगे और उसकी एंड में एंड कैप लगाएंगे। यहाँ पर हमें 4 स्टैंड चाहिए। तो चलिए इसे जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। अब ये जो 4 फीट का पाइप है उसमें हम स्टैंड फिट करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 इंच का पाइप डालेंगे ताकि हमारा जो 11 इंच का टी लगा हुआ पाइप है वो उसके ऊपर फिट हो सके। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है या और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगा।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी पाइप्स फिट हो चुके हैं। अब ये जो दो बैंड लगे हुए पाइप को हमें पूरा टॉप पर लगाना है, क्योंकि ये हमारा हैंडल का काम करेंगे, जिसे हम पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये एल्युमिनियम शीट को हम फिट करके देखेंगे कि ये मेजरमेंट ठीक है या नहीं। देखिए, इसकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसे 1x1 ड्रिल करके स्क्रू से टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप खुद इसे घर में बनाइए, क्योंकि ये बहुत आसान है। फ्रेंड्स, जैसे हम नीचे का सीट को फिट किए थे, वैसे ही बाकी तीनों को हम फिट करेंगे और स्क्रू से टाइट करेंगे। फ्रेंड्स, ये गंदा हो जाए या कोई डस्ट वगैरह कुछ आ जाए तो इसे बड़े आसानी से आप पानी से धो सकते हैं। अब ये शू स्टैंड बन के रेडी है, यहाँ पर आप शूज रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।